गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल लिविंग पीक क्लासेस प्रयागराज। टुडे वी आर हियर डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास ट्वेल्थ स्टैंडर्ड चैप्टर टू। क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी का चैप्टर क्या चल रहा है, टू। इसमें चैप्टर टू का नेम क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो आज आपको हम चैप्टर टू का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इससे पहले हम आपको इसकी वीडियोज अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको डिफाइन किया था फ्लावर का स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उसका पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, मेच्योर एंथर का स्ट्रक्चर बना करके। तो अब आज स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर में पॉलन एलर्जी। अब देखिए पॉलन एलर्जी, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन्स है, इसके पॉलन ग्रेन्स जब किसी ह्यूमन बींग्स के संपर्क में आते हैं तो कुछ में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं पॉलन ग्रेन्स में कि पॉलन ग्रेन्स आर मेनी स्पीसीज, पॉलन ग्रेन्स की बहुत सी स्पीसीज हैं, काज सेवर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल, ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। आप समझ सकते हैं कि जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं कई स्पीसीज में, ये क्या करते हैं, कई तरीके के एलर्जीज और उसके साथ ही ब्रोंकियल से रिलेटेड कुछ क्रोनिक डिसऑर्डर्स, डिजीज उत्पन्न करते हैं, लाइक जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। अब आप समझ गए होंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या प्रॉब्लम्स करते हैं, एलर्जी, ठीक है, एंड ब्रोंकियल एफ्लिक्शन इन सम पीपल। अब आप समझ गए होंगे, तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स डिजीज क्या हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या नाम है, जैसे कि अस्थमा, ठीक है, अस्थमा भी है और इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस है। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इसके साथ साथ इससे रिलेटेड और भी डिजीज हो सकते हैं। तो आप समझ गए कि पोलन एलर्जी जो है ये क्या करते हैं, कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं और उसके साथ साथ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एलर्जी के कारण बनते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, और भी इसके साथ साथ देखा जाए तो इट मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम, इसके बारे में भी कहा गया है
कि जो पार्थेनियम, पार्थेनियम क्या है, एक कैरेट ग्रास, जिसे आप गाजर घास कहते हैं, समझ गए? पार्थेनियम क्या है, जिसे आप सामान्य तौर पे गाजर घास कहते हैं, यानी कि कैरेट ग्रास, ठीक है। केम इनटू द इंडिया, ये हमारे इंडिया में कैसे आया, एज ए कंटामिनेंट विथ इम्पोर्ट व्हीट। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे इंडिया में गेहूं के इम्पोर्ट के द्वारा ये प्रवेश कर गया, हैज बिकम पब्लिक अकरेंस एंड कॉज पॉलन एलर्जी, ठीक है ना, जो कि आज देख रहे हैं कि ये पॉलन एलर्जी का कारण बन चुका है। तो पॉलन एलर्जी पे आप समझ गए होंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ सम पीपल्स में एलर्जीज के कारण बनते हैं, और उसके साथ साथ कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जिसमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो जो पार्थेनियम है, क्या नाम है, पार्थेनियम कैरेट ग्रास, आप समझ जाइएगा ये पॉइंट, पार्थेनियम और कैरेट ग्रास। तो इस पार्थेनियम को सामान्य तौर पे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कैरेट ग्रास, समझ गए? जो पार्थेनियम है उसको सामान्य नाम में क्या क्या बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं। केम इनटू इंडिया, इंडिया में कैसे आया है, इंडिया में कैसे आया है, ये केम इनटू इंडिया यानी कि इम्पोर्टेड व्हीट के माध्यम से आया है। किसके माध्यम से आया है, इम्पोर्टेड व्हीट, ठीक है। ये हमारे इंडिया में कैसे आया है, केम इनटू इंडिया, इम्पोर्टेड व्हीट यानी कि गेहूं के इम्पोर्ट के माध्यम से ये हमारे इंडिया में प्रवेश कर गया है, ठीक है ना। क्या नाम था, पार्थेनियम या कैरेट ग्रास, ठीक है। और जो कि किसका कारण बन गया है, ये बन गया है पॉलन एलर्जी का कारण, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब इससे संबंधित और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इससे संबंधित और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, सप्लीमेंट्स जो यूज किए जाते हैं, उनका जो सप्लीमेंट्स है पॉलन ग्रेन्स का, तो यहाँ पे आप अगला पॉइंट्स भी, यानी फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया है कि पॉलन ग्रेन से पॉलन एलर्जी भी होती है, और उसके साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एंड एटसेट्रा। और ये हमारे इंडिया में आया कैसे, पार्थेनियम आर करेट ग्रास, जिसका नाम है केम इंडो इंडिया, जिसके द्वारा इम्पोर्टेड व्हीट के माध्यम से। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। अब आप समझ गए भैया, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पोषक तत्वों से या पोषकों से भरपूर होते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, कैसे होते हैं, कुछ तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं रिसेंट ईयर टू यूज, यानी फिलहाल के वर्षों में पॉलन टेबलेट एज ए फूड सप्लीमेंट्स, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसके रूप में, पॉलन टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट्स के रूप में इनका यूज जो होता है, किस में होता है यूज, आप कह सकते हैं पॉलन टैबलेट्स, और पॉलन टैबलेट्स के रूप में, और उसके साथ साथ एज फूड सप्लीमेंट्स, एज फूड सप्लीमेंट्स, एज फूड सप्लीमेंट्स, एज फूड सप्लीमेंट्स। आप समझ गए कि जो ये पॉलन
ड्रेन्स होते हैं, इनका यूज पॉलन टेबलेट के रूप में और उसके साथ 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 फूड सप्लीमेंट्स में भी किया जाता है, ठीक है ना। और भी अगर देखा जाए तो और भी इसका फूड सप्लीमेंट्स एंड पॉलन सिरप, ठीक है ना, इसका क्या बनता है, पॉलन सिरप, सिरप भी बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके अवेलेबल इन मार्केट, ये आपके मार्केट्स में क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पाइन ग्रेन्स जो है ये वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में अगर देखा जाए तो पॉलन टेबलेट्स हैं, ठीक है ना, आयरन फूड सप्लीमेंट्स हैं और पॉलन सिरप्स के रूप में ये मार्केट में उपलब्ध रहता है। और भी इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पॉयन कंजम्पशन हैज बीन क्लेम्ड, यानी कि कुछ लोगों ने ये दावा किया है पान के विषय में कि इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, यानी जो पॉयन ग्रेन्स होते हैं ये क्या करते हैं भैया, पॉयन ग्रेन्स की बात की जा रही है, तो पॉयन ग्रेन्स की बात की जा रही है तो इसमें आप कह सकते हैं कि इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, ठीक है ना। आप क्या क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स, ठीक है, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स, क्या होते हैं एथलेट्स, जो एथलेट्स यानी कि जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं ना, एथलेट्स, ठीक है, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, और साथ साथ एंड रेस हॉर्सेस, ठीक है ना, एंड रेस हॉर्सेस। तो अब आप और समझ गए होंगे कि जो पाइन ग्रेन्स होते हैं इनका यूज अगर देखा जाए तो इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलेट्स, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं या अश्वधावक वगैरह होते हैं उनमें भी ये क्या करते हैं, वृद्धि का कार्य करते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। तो ये तो रहा थोड़ा सा पालन एलर्जी से संबंधित, हमने इसके पहले डिस्कस कर लिया था कि एक पाइन ग्रेन्स का एक मेच्योर स्ट्रक्चर्स या पाइन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया। थोड़ा सा यही छूटा था कि पॉलन एलर्जी का मतलब क्या है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो पॉलन एलर्जी आप समझ गए कि पॉलन ग्रेन से पॉलन एलर्जी क्या है, उत्पन्न होती है ह्यूमन बींग्स में, और इसके साथ साथ जो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये देखा जाए तो एक पार्थेनियम ग्रास है, जिसे सामान्य तौर पे अभी हमने बताया कर्ड ग्रास कहते हैं, ये अपने इंडिया में केम इन टू इंडिया, अपने इंडिया में ये किस तरह से इम्पोर्टेड वीट के माध्यम से प्रवेश किया, ठीक है ना, और जिससे कि आप देखेंगे कि पालन एलर्जी जो है का कारण बन गया। और इसके साथ साथ आपने इसकी यूज वगैरह देखी कि टेबलेट्स के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं, सिरप के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। तो यहाँ तक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आगे भी नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लेते हैं कि अब थोड़ी सी बात इसमें ये आती है कि जो पाइन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, पाइन ग्रेन्स वंस दे आर सेड, यानी पाइन ग्रेन्स जब भी झड़ते हैं, जब भी गिरते हैं, तो पाइन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा, कहाँ पे गिरते हैं, ये जो पाइन ग्रेन्स होते हैं ये फ्लावर के स्टिग्मा पर ही गिरते हैं, ठीक है। जब भी फ्लावर के में आप देखते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, ठीक है ना, एंडोसियम स्टेमेंस एंथर, एंथर से जब भी ये पाइन ग्रेन्स क्या होता है, झड़ते हैं या गिरते हैं, तो कहाँ गिरते हैं, फ्लावर के आप कह सकते हैं स्टिग्मा पर गिरते हैं। बिफोर दे लॉस वायबिलिटी इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये अपनी जो जैविक क्षमता है तब तक बनाए रख सकते हैं फर्टिलाइजेशन से पहले तक, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं पाइन ग्रेन्स का क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पाइन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है ना, और जब ये वहाँ तक
ट्रांसफर कर जाता है, इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे पॉलन जो होते हैं कि दे आर सेड जब भी ये वे झड़ते हैं पाइन ग्रेन्स हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। कहाँ पे? स्टिग्मा पे, बिफोर दे लास्ट वायबिलिटी। मीन्स क्या होता है, इनकी जैविक क्षमता आप कह सकते हैं कि इफ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले ये अपनी क्षमता को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पाइन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? आप ये भी कह सकते हैं कि जो पाइन ग्रेन्स होते हैं ये कितने समय तक इनकी वायबिलिटी बनी रह सकती है, ठीक है ना, कब तक ये जीवित रह सकते हैं। तो इसके आगे द पीरियड फॉर विच पाइन ग्रेन्स रिमेन्स वायबल हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन द प्रिवेंटिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं अच्छे से कि जो पाइन ग्रेन्स होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वायबिलिटी उनकी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। और भी देखेंगे, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट पाइन ग्रेन्स लॉस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, ठीक, ऑफ देयर रिलीज। एंड इन सम मेम्बर्स ऑफ रोजेसी लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी, आप देख सकते हैं कि कुछ अनाज ऐसे भी हैं जैसे कि राइस है, वीट है, ठीक है ना, इनके पाइन ग्रेन्स विद इन 30 मिनट्स के अंदर ही अगर देखा जाए तो अपनी वायबिलिटी क्या करते हैं, ये लॉस कर देते हैं, ठीक है ना। और भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो कि आप फैमिली में देखते होंगे, फैमिली रोजेसी है, लेग्यूमिनेसी है एंड सोलेनेसी है, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ। यानी कि सब फैमिली के भी जो पाइन ग्रेन्स होते हैं वो कुछ महीनों तक भी वायबिलिटी बनाए रखते हैं या जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलें। यू मे हैव हर्ड टू स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा, आपने यह भी सुना होगा कि स्टोरिंग सीमेन, ठीक है ना, स्पर्म ऑफ मेनी एनिमल्स, बहुत से एनिमल्स का क्या करते हैं, सीमेन हर स्पर्म्स को क्या किया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। जैसे कि आप मानव में देखते हैं, मनुष्यों में, कि किसके लिए किया जाता है स्टोर, फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी आप कह सकते हैं कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए। आप समझ गए होंगे कि जो भी ह्यूमन के जो स्पर्म होते हैं उसको स्टोर कर लिया जाता है, और स्टोर करने के बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में उनका यूज किया जाता है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। और भी बात किया जाए कि इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पाइन ग्रेन्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर्स इन लिक्विड नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, ये कि जो पाइन ग्रेन्स होते हैं इनका बहुत अधिक समय तक, वर्षों तक स्टोर कर किया जाता है। तो किस में किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन होता है, लिक्विड क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस पे इसको कई वर्षों तक जो है स्टोर कर सकते हैं पाइन ग्रेन्स को, ठीक है ना। सच स्टोर्ड पाइन कैन बी यूज्ड पॉलन बैंक्स, आप भी देख सकते हैं इनका स्टोर करने के बाद क्या करते हैं, चाहे तो पाइन बैंक्स के रूप में यूज करते हैं या सीड बैंक, हाँ, जो बीज भंडार होते हैं वहाँ आप देख सकते हैं इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, और इनको जो है फसलों के ब्रीडिंग जैसे प्रोग्राम में भी इनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये तो था, बात किसकी थी, पॉलन एलर्जी की। तो ये पॉइंट्स आपके साथ क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना, कि जो पॉलन एलर्जी है किस कारण से है, पार्थिनियम और कैरेट ग्रास के कारण, ठीक है ना। और इससे क्या रोग, एलर्जी होती है, और भी इसमें बहुत से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस एंड दमा। अच्छा, और जो पाइन ग्रेन्स आपने देखा कि ये क्या होते हैं, अभी आपने क्या देखा कि पाइन ग्रेन्स आर रिच न्यूट्रिएंट्स, इसमें ये जो पाइन ग्रेन्स होते हैं बहुत ही पोषक तत्वों से क्या होते हैं, ये भरपूर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, अब हम आगे चलते हैं, किस पे डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे आपको द पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम ओयूल्स एंड एम्ब्रियो सैक पे, ठीक है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं,
आइए हेडिंग बात करते हैं किसकी, द पिस्टिल। समझ गए किसकी बात कर रहे हैं, पिस्टिल। क्या है कि द पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम, द पिस्टिल द पिस्टिल या मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, तो या तो आप कह सकते हैं ये पिस्टिल किसका पार्ट है, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट, जिसे आप मेगा स्पोरेंजियम, और भी इसको देखा जाए तो आप क्या कह सकते हैं, ओयूल। ठीक है ना, ओयूल कह सकते हैं एंड एम्ब्रियो सैक, एंड एम्ब्रियो सैक। तो हम फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसकी बात करने जा रहे हैं, पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम और ओयूल्स एंड एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे हमने आपको जब फ्लावर बनाया था तो मान लीजिए कि ये इस तरह से हमने ये फ्लावर बना दिया था। ठीक है, तो यहीं पर से भी आपने देखा था कि ये बाइलोड क्या है, अंतर है। तो हम पिस्टिल की बात कर रहे हैं, तो ये आप देख सकते हैं फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना, हम इसको अभी इसमें नहीं ऐड करते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टिग्मा, इसका नाम है स्टाइल, और इसका नाम है ओवरी। ये बात आप समझ गए होंगे, ये फ्लावर का कैसा पार्ट है, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है ना, तो द गायनोसियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो गायनोसियम होता है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यानी कि ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, गायनोसियम। ठीक है, गायनोसियम। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होता है, गायनोसियम होता है। ठीक है, द गायनोसियम में भी कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल, यानी जब भी गायनोसियम क्या हो, एक सिंगल पिस्टिल हो, गायनोसियम में क्या हो, सिंगल पिस्टिल हो। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, सिंगल पिस्टिल। ठीक है, तो इसको हम अगर सिंगल पिस्टिल हो, ठीक है ना, गायनोसियम में, तो उसको मोनोकार्पिलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोकार्पिलरी। ठीक है ना, इसको आप लोग समझिएगा कि ये है क्या। ठीक है ना, जब गायनोसियम केवल सिंगल पिस्टिल से बना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पिलरी। आर मे हैव मोर देन वन पिस्टिल, ठीक है, मल्टीकार्पिलरी। आप कह सकते हैं अगर एक से अधिक, मोर देन वन पिस्टिल अगर होगी, क्या होगी, मोर देन वन पिस्टिल, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोर देन वन पिस्टिल अगर प्रेजेंट है तो मल्टी कार्पिलरी। क्या कहेंगे, मल्टी कार्पिलरी। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, जब गायनोसियम में केवल सिंगल पिस्टिल हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मोनोकार्पिलरी, एंड जब मोर देन वन पिस्टिल हो, एक से अधिक अगर पिस्टिल हो, तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीकार्पिलरी। ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट्स आपको समझना है कि मोनोकार्पिलरी मीन्स या मल्टीकार्पिलरी मीन्स। ठीक है ना, या डिफरेंस बताइए मोनोकार्पिलरी एंड मल्टीकार्पिलरी। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि मोनोकार्पिलरी में क्या होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, देख लीजिए यहाँ पे पिस्टिल भी है,
मेगास्पोरेंजियम, ये सब कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। यानी कि जब भी आप देखते हैं कि ये आपके गायनोसियम में केवल क्या हो, सिंगल पिस्टिल हो, तो उसको मोनोकार्पेल्डी कहते हैं, मोर देन वन पिस्टिल हो तो उसको मल्टी कार्पेल्डी कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। वेन देयर आर मोर देन वन द पिस्टिल मे बी फ्यूज टूगेदर, आप देख सकते हैं कि जब एक से अधिक पिस्टिल क्या हो, आपस में फ्यूज हो, ठीक है ना, जब एक से अधिक पिस्टिल जो है आपस में फ्यूज हो, तो इसका मतलब है कि आप उसको आप क्या कह सकते हैं, किसकी बात हो रही है, बात हो रही है पिस्टिल की, और वो पिस्टिल क्या है, ठीक है, मे बी फ्यूज टूगेदर मोर देन वन द पिस्टिल, मोर देन वन द पिस्टिल मे बी फ्यूज टूगेदर। यह भी पॉइंट्स आपको नोट रखना है कि मोर देन वन पिस्टिल, मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टूगेदर, मे बी फ्यूज्ड टूगेदर, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हैं इसको, जब एक से अधिक पिस्टिल क्या हो, आपस में फ्यूज मतलब जुड़े हो, संगलित हो, बात समझ गए ना, कि आपस में जुड़े हो क्या पिस्टिल, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सिंकार्पस, क्या हो जाएगा इसका नाम, सिंग कार्पस, ये याद रखिएगा भैया ये पॉइंट्स आपको, ठीक है ना, सिंग कार्पस। कभी कभी ये आपकी भी एंट्रेंस वगैरह में पूछा जाता है, ठीक है ना, खास तौर से तो मेडिकल और नीट्स में तो ये आते ही हैं इस पॉइंट से प्रश्न, सिंग कार्पस, ठीक है ना, सिंग कार्पस में आपने क्या देखा कि मोर देन वन पिस्टिल में भी फ्यूज्ड टूगेदर, यानी एक से अधिक पिस्टिल जब आपस में क्या हो, संगलित हो, फ्यूज्ड हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे सिंग कार्पस कहेंगे, ठीक है ना। और अगर देखा जाए इसके डायग्राम में, तो डायग्राम में आपके एनसीईआरटी में डायग्राम 2.7 के बी में कुछ ऐसे बना हुआ है फिगर, ठीक है ना, आप देख सकते हैं, कुछ ये जो आप समझ सकते हैं कि जो पिस्टिल हैं, यानी ये जो कार्पल्स हैं, ठीक है ना, ये आपस में क्या हैं, फ्यूज हैं, ठीक है ना, इसलिए हम इसको हम क्या कह देते हैं, सिंग कार्पस। एक से अधिक पिस्टिल क्या हैं, आपस में क्या हैं, फ्यूज हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, सिंग कार्पस। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। वन मे बी फ्री, अगर यही क्या हो जाए, अगर यही फ्री हो जाए, ठीक है ना, ये पिस्टिल अगर फ्री हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए पिस्टिल में भी फ्री, अगर यही पिस्टिल क्या है, अगर फ्री हो जाए तो उसको आप क्या कहेंगे, एपो कार्पस, ठीक है, एपो कार्पस कहेंगे, पिस्टिल में भी फ्री, जब पिस्टिल क्या हो, आपस में फ्यूज ना हो करके फ्री हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस, ठीक है ना। और ये आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये आपके फिगर्स में जो है बुक्स में कुछ ऐसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये ढेर सारे इसमें ये ढेर सारे क्या हैं, ये ठीक है ना, ये पिस्टिल हैं, ये क्या हैं, आपस में
फ्री हैं, ठीक है ना। अगर ये आपस में फ्री हैं तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस। बात समझ गए। इसमें क्या थे, इसके पिस्टिल आपस में फ्यूज थे, इसलिए इसको हम सिंकार्पस कह दिए, ठीक है ना। मोर देन वन पिस्टिल में भी फ्यूज टूगेदर, जब एक से अधिक पिस्टिल इसके क्या हम आपस में फ्यूज हों तो उसको सिंकार्पस कहते हैं। और यहाँ पे अगर पिस्टिल में भी फ्री है, इसके सारे पिस्टिल क्या हैं, स्वतंत्र हैं, तो वो उस पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, इट्स नोन एज एपोकार्पस, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आइए देखिएगा, ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट। जो भैया आपकी पिस्टिल है, यहाँ से आप याद रखिएगा कि ईच पिस्टिल, ईच पिस्टिल कितने पार्ट में डिवाइड है, ठीक है ना। ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट्स, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ईच पिस्टिल हैज हैज थ्री पार्ट्स, ठीक है ना। अब जो ये आपकी पिस्टिल है पूरा का पूरा कितने पार्ट में डिवाइड है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर जैसे कि स्टिग्मा, सेकंड नंबर जैसे कि स्टाइल, थर्ड नंबर ओवरी, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए, जो ये आपकी पिस्टिल है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ओके। आइए आगे देखते हैं। हाँ, हम ध्यान दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत कम है और बहुत कम बच्चे जो है अभी तक सब्सक्राइब किए हैं इस चैनल को, लिविंग पीक क्लासेस प्रयागराज, जो कि आपके लिए सेल्फ हेल्प ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से आप तक ये शिक्षण प्रक्रिया पहुंच रही है। तो संख्या आपकी बहुत कम है, आप इसको जितना अधिक मात्रा में लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें तो इससे हमें और भी प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही साथ हम आपके लिए और भी बेस्ट दे पाएंगे, ठीक है ना। और कोशिश भी हमारी यही है कि हम आपके लिए एक पॉइंट, एक टाइम निश्चित कर दें जिससे कि हम लाइव आ सकें आपसे फेस टू फेस जो है, या आपके डायरेक्ट जो रिप्लाई क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स जो हैं उसका सलूशन हम दे सकें, ठीक है। तो ये तभी संभव होगा जब आपकी संख्या बढ़ेगी। अगर आपकी संख्या बढ़ जाएगी तब तो हमें ऑनलाइन क्लास लेने में अच्छा रहेगा, ठीक है। अभी तो आपकी संख्या बहुत कम है, बहुत मैं देख रहा हूँ तो केवल 25 या 30 के आसपास 30 सब्सक्राइब हुए हैं केवल अभी। तो आप लोग थोड़ा सा और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और जो भी आपको मटेरियल पहुँच रहा है उसको आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है, और अपनी नोट्स भी बनाते जाइए, ठीक है ना। इतना तो कर सकते हैं, हम आपके लिए इतना कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा इतना करिए कि और सभी अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और वो लाइक सब्सक्राइब करें। जहां पर भी कोई प्रॉब्लम्स हो वो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, ठीक है। वो सारी प्रॉब्लम्स हम आपको इस अपने ऑनलाइन क्लासेज में दूर करेंगे, ठीक है। तो आइए, हाँ, हम लोग बता रहे थे कि जो पिस्टिल है, ठीक है ना, फ्लावर का अगर देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे आप गायनोसियम भी कहते हैं। और ये जो गायनोसियम है ये आप देख रहे हैं कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि ईच पिस्टिल हैज थ्री पार्ट, तीन पार्ट में ये डिवाइड है। अब भाई देखिए, ये जो स्टिग्मा है, यहाँ हमने स्टिग्मा बनाया है, स्टिग्मा का क्या काम होता है, तो द स्टिग्मा सर्व एज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। आप समझ सकते हैं कि जो स्टिग्मा है वो सर्व करता है किस लिए, कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स यहीं पे आकर क्या करते हैं, लैंड करते हैं या गिरते हैं, कहाँ पे, स्टिग्मा पे। ये बात आपको ध्यान रखना है, जब भी स्टिग्मा को डिफाइन करना हो तो आप लिख सकते हैं कि द स्टिग्मा सर्व एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। बात क्लियर हो गई यहाँ तक।
अब इसके बाद की बात आती है स्टाइल की। अगर बात आती है तो स्टाइल क्या है, द स्टाइल इज द इलांगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ द स्टिग्मा। आप समझ रहे हैं ना कि यह एक सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पार्ट है, इसके नीचे है बीनीथ द स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे एक कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इलांगेटेड सिलेंडर पार्ट्स है, ठीक ना, लंबा सिलेंड्रिकल एक पार्ट्स है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पिस्टल का सेकंड पार्ट रहा। और भी इसके साथ साथ अगर देखा जाए द बेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल एज द ओवरी। आप देख रहे हैं कि इसका जो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो आधारभूत भाग है ये क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। क्या कहलाता है, ओवरी कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब आगे देखिएगा कि इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी। भाई ये पूरी के पूरी ओवरी है, अब इसी ओवरी के अंदर, ठीक है, इसी ओवरी के अंदर क्या होते हैं, इसी ओवरी के अंदर ही ओयूल्स होते हैं। और ये ओयूल्स जो होते हैं आप यहाँ पे देखिए, ये तो पूरा का पूरा आपका ये पार्ट क्या हो गया, ओवरी का हो गया। अब इसमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो खाली वाला पार्ट है ओवेरियन कैविटी, उसको हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। जो ओवेरियन की जो ये कैविटी है इसको हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, ठीक है ना। ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी है उसको हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कि द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। भाई जो प्लासेंटा है वो कहाँ स्थित है, ओवेरियन कैविटी में स्थित है, ठीक है ना। प्लासेंटा कहाँ स्थित है, ओवेरियन कैविटी में स्थित है, समझ गए, जिसे आप लॉक्यूल कह रहे हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। भाई प्लासेंटा ही तो है जो कि सीड को ऐड किए रहता है, जिसके माध्यम से हाँ सीड का डेवलपमेंट्स होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये ओयूल्स हैं वो किससे जुड़े रहे होंगे, प्लासेंटा से जुड़े रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि द प्लासेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। आपने यह भी देखा होगा कि रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप ऑफ प्लासेंटेशन, ठीक है ना। आपको ये प्लासेंटेशन के जो टाइप्स होते हैं वो याद होगा, ठीक है ना। ये जो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि प्लासेंटेशन, ठीक है ना, कि बेसल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, एग्जाइल प्लासेंटेशन एंड फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, ये क्या है प्लासेंटेशन के टाइप्स थे। तो इस बारे में आप तो क्लास 11th में ध्यान दे ही चुके हैं, ठीक है। तो वो प्लासेंटा की बात है, लेकिन आपके यहाँ जो है ये 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पे आपको जो कुछ भी आएगा, ये फ्लावर का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेगा स्पोरोजेनेसिस आर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, ओयूल्स, इन सब के स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए, सॉरी, हाँ। तो यहाँ तक तो पिस्टल की बात तो क्लियर हो गई, स्टिग्मा की, स्टाइल की, ओवरी की, ठीक है। अब आगे बात किया जाए, किसकी बात किया जा रहा है, कि एराइजिंग फ्रॉम द प्लासेंटा आर द मेगा स्पोरेंजिया। आप जानते हैं कि प्लासेंटा से ही मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है ना, क्या होती है, एराइज होती है। कॉमनली कॉल्ड उसे क्या कहते हैं, ओयूल्स कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्लासेंटा से ही मेगा स्पोरेंजिया उत्पन्न होती है, और जिसे कॉमनली कॉल्ड क्या कहते हैं, ओयूल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ ओयूल्स इज ओवरी मे बी वन। अब आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि यदि ओवरी में ओयूल्स की संख्या कितनी हो, यदि, ये तो हमने बताया ना यहाँ पे, ये तो आपकी ओवरी है पूरा का पूरा, और इस ओवरी के अंदर जो नंबर ऑफ ओयूल्स हैं,
ठीक है ना, ये क्या है, ओयूल्स। अब कितने ओयूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है कि आप कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ ओयूल्स इज एन ओवरी मे बी वन। भैया जब ओवरी के अंदर केवल एक ही ओयूल्स हो तो वो किस प्लांट्स में होगा, जैसे वीट है, पैडी है और मैंगो है। मैंगो तो आप लोग खाते ही हैं, सीजन भी चल रहा है इस समय। तो आप उसमें कितने सीड देखते हैं, वन सीड देखते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ ओयूल्स इन ओवरी मे बी वन, ठीक है ना। जब ओवरी के अंदर केवल क्या हो, ओयूल्स की संख्या केवल एक हो, ठीक है, जैसे कि वीट, पैडी एंड मैंगो। टू मेनी, भाई बहुत ढेर सारे हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे भी हो सकते हैं ओयूल्स। किसमें, पपाया में आप देखते ही हैं, ठीक है ना, और भी वाटरमेलन भी आप देख रहे हैं, उसमें भी बहुत ढेर सारे ओयूल्स होते हैं, एंड ऑर्किड्स। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं द मोगा द मेगा स्पोरेंजियम आर ओयूल्स, ठीक है ना। तो ये तो हमने किस पे डिस्कस किया था, थोड़ा सा पिस्टिल के विषय में, ठीक है ना। मेनली पिस्टिल है क्या चीज़, ठीक है ना, और अगर सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पेलरी, और अगर देखिए मोर देन वन पिस्टिल है तो मल्टी कार्पेलरी, और मोर देन वन पिस्टिल मे बी फ्यूज टुगेदर तो सिंग कार्पस एंड पिस्टिल मे बी फ्री एपोकार्पस। ईच पिस्टिल है थ्री पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना। अब स्टिग्मा को भी हमने यहाँ डिफाइन कर दिया, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ओयूल्स पाए जाते हैं। अब ये जो ओयूल्स हैं इनकी संख्या के आधार पर हमने देख लिया कि किस किस में ये सिंगल ओयूल्स पाए जाते हैं, किस में आप देख सकते हैं कि मेनी ओयूल्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक बात हो गई है, अब हम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते जाइए। आपका सिलेबस बहुत सही टाइम पे और भाई बहुत सही समय पर और बहुत अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट किया जा रहा है। आप ध्यान से रेगुलर क्लास लेते रहें, ठीक है, गैप ना करें, नहीं कोई पार्ट छूट जाता है तो फिर समझने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। बाकी तो हम है ही हैं समझाने के लिए। तो अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट्स की कि जो ओयूल्स है, ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि आप कह सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से लेकर के शॉर्ट नोट तक भी ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं द मेगा स्पोरेंजियम और ओयूल्स, ठीक है। लेट अस फेमराइज अवर सेल विथ इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए टाइपिकल एंजियोस्पर्मिक ओयूल्स, ठीक है ना। तो हम लोग जो जिस ओयूल्स की बात करते हैं, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, हम बार बार बता रहे हैं कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मीन्स फ्लावरिंग प्लांट्स, वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम लोग कि द ओयूल्स इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लासेंटा बाई मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल्स। अब आप समझ गए होंगे कि अब हम सबसे पहले इसका डायग्राम बना देते हैं कि जो ओयूल्स का डायग्राम सा है, ठीक है, डायग्राम क्लियर है। ये आपके ओयूल्स का डायग्राम सा है,
और यहाँ पे आप क्लास इलेवेंथ में भी ओयूल्स के टाइप्स भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसमें आपने अर्थोट्रापस, एनाट्रापस, अर्सिनोट्रापस, कंपाइलोट्रापस, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस टाइप का है, ये थोड़ा सा और क्लियर बना दिया जाए। तो अब आप देखिए इसका पाठ हम बता रहे हैं कि सबसे पहले इसको हमने क्या बताया कि ओयूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर। ओयूल्स क्या है, एक छोटे से स्ट्रक्चर है जो कि किससे अटैच होता है, अटैच टू द प्लासेंटा। किससे अटैच होता है, अटैच टू द प्लासेंटा, ये प्लासेंटा से अटैच होता है, इसलिए इसको बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है ना। ये वाला पार्ट फ्यूनिकल, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात आपको समझ में आ गई होगी, यही पार्ट तो है जो ये ओयूल्स है किससे अटैच है, ठीक है ना, प्लासेंटा से अटैच है, ठीक है ना, अटैच टू द प्लासेंटा। अब जो ये प्लासेंटा है, जो ये अटैच है, वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, बाय मीन्स ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द बॉडी ऑफ ओयूल फ्यूज विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलम। भाई जो इस ओयूल्स की जो बॉडी है वो क्या है, फ्यूज विद फ्यूनिकल। अगर ये बॉडी कहाँ पे फ्यूज हो रही है, फ्यूनिकल के पास में, तो उसको हम क्या कहते हैं, भाई ये फ्यूनिकल्स है और इसकी बॉडी कहाँ पे फ्यूज कर रही है, यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को हम कहेंगे हीलम। क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को हीलम कहेंगे। बात समझ में आ गई। जब ओयूल साहब का प्लासेंटा से अटैच है, जो ये स्टाक या डेंटल सेप्ट है, इसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। अब ये जो फ्यूनिकल है, ये ओयूल्स की बॉडी से क्या है, अटैच है, तो ये तो ओयूल्स हो गया, ठीक है ना। और इसकी बॉडी जो है किससे अटैच हो रही है, फ्यूनिकल से, तो जहां पे अटैच हो रही है उसी को हम क्या कह दिए, यहाँ पे हीलम कह दिए, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए, दस हीलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओयूल्स एंड फ्यूनिकल्स। अब ये किसकी बात हो रही है, किससे किसके बीच की बात हो रही है, हीलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओयूल्स एंड फ्यूनिकल्स। देखिए भैया, ये पूरा का पूरा क्या है, ओयूल्स है, ठीक है, और ये आपका क्या है, हीलम है। ये आपका क्या है, हीलम है, ये पूरा ओयूल्स है, ये हीलम है, और हीलम को आप देख रहे हैं, ये जहाँ से ये डंठल यहाँ फ्यूज कर रहा है उसी को हम यहाँ हीलम कह दिए। तो किसके किसके बीच का है, ये ओयूल्स और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन, बिटवीन क्या है, हीलम, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, दस हीलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओयूल्स एंड फ्यूनिकल्स। तो हीलम जो है ओयूल्स और फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं, ईच ओयूल्स हैज वन आर टू प्रोटेक्टिव इनवेलप कॉल्ड इंटूगमेंट्स। ये पूरा का पूरा आपका क्या है, ओयूल्स है, और ये इनवेलप के द्वारा क्या है, कवर किया गया है, ढका हुआ है, ढका हुआ है ना। तो टू प्रोटेक्टिव इनवेलप कॉल्ड इंटूगमेंट्स, कितने इंटूगमेंट्स हैं, टू प्रोटेक्टिव इंटूगमेंट्स हैं, ठीक है ना, इंटेग्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले वाले को इंटूगमेंट्स को हम क्या कहेंगे, आउटर, आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है।
अब इसके बाद जो है उसको हम क्या कहेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट, ये ओयूल्स की क्या है, कवरिंग है, इसको ढके हुए हैं, ठीक है। तो ये टू प्रोटेक्टिव इनवलप्स हैं जिसे हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। इंटेग्यूमेंट्स इन सर्किल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट द एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। अब देखिए जो आपका ये इंटेग्यूमेंट्स है वो ये वाला पार्ट आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर इंटेग्यूमेंट्स। अब इसके बाद वाला पार्ट अगर आप देखो, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आउटर और इनर, इसके बाद ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, न्यूसिलस कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूसिलस कहलाता है, ठीक है ना, न्यूसिलस। तो बात समझ में आ गई होगी, इतने डायग्राम में इतने पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपने देखा कि जो ये डंठल है ओयूल्स का, ठीक है ना, जो प्लासेंटा से अटैच है उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं, और ये फ्यूनिकल जब ओयूल्स से अटैच होता है तो उसके जंक्शंस को अगर देखा जाए तो उसको हम हीलम कहते हैं, ठीक है। तो हीलम किसके किसके बीच के जंक्शन हो गया, ओयूल्स एंड फ्यूनिकल के बीच का जंक्शन हो गया। इसी तरह से आउटर इंटेग्यूमेंट्स और इनर इंटेग्यूमेंट्स, ये टू प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होती हैं, और इसके अंदर वाला पार्ट जो है ये न्यूसिलस कहलाता है, ठीक है ना। तो वही हमने बताया कि जो इंटेग्यूमेंट है इन सर्किल द न्यूसिलस, ठीक है ना, इसका इंटेग्यूमेंट जो है न्यूसिलस को क्या करे है, घेरे हुए है न्यूसिलस को, ठीक है ना। एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग कार्ड, जब ये आप देखते हैं इसके टिप पे एक छोटा सा ओपनिंग है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए इज ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पे स्थित है, न्यूसिलस का जो है ओपनिंग वाला पार्ट, वहां पे ये माइक्रोपाइल है। अब इसी का जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा, तो अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड्स द चला जा भाई, इसका अपोजिट तो यहां होगा, ठीक है, और ये क्या होगा आएगा, कहते हैं चला जा, ये चला जा हो गया, ठीक है, माइक्रोपाइल का जो ये अपोजिट एंड है इसको हमने क्या कह दिया, चलाजा कह दिया, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द ओयूल्स, ठीक है, ये आपके ओयूल्स के बेसल पार्ट्स को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। इनक्लोज विथ इन द इंटेग्यूमेंट इन ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसिलस। अब आप देखते हैं जो ये इंटेग्यूमेंट्स है, ये इंटेग्यूमेंट्स के द्वारा न्यूसिलस वाला पार्ट घिरा हुआ है, ठीक है ना। सेल्स ऑफ द न्यूसिलस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। भैया ये जो न्यूसिलस है इसमें क्या प्रेजेंट्स होते हैं, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल लिख सकते हैं, अबंडेंट न्यूसिलस, अबंडेंट न्यूसिलस फूड मटेरियल, ठीक है, एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा आपके इस एम्ब्रियोसाइट को वो न्यूसिलस होता है। न्यूसिलस में क्या है, बहुत अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल्स है, ठीक है, जो कि लोकेटेड इन द न्यूसिलस एज द एम्ब्रियोसाइट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। एंड ओयूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रियोसाइट फॉर्म फॉर्म मेगा स्पोर, यानी कि जो ये
ओयूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, मेगा स्पोर्स से हो रहा है, ठीक है ना। एक मेगा स्पोर्स से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा, ठीक है ना। सिंगल एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा, कहाँ से होगा, ए मेगा स्पोर से, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, ये तो बन गया यहाँ तक। अब पॉइंट्स आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखिएगा, अब इसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं, ठीक है। जो इसका मेगा स्पोरोजेनेसिस है इसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं, जिससे कि कवर हो जाए, ठीक है।